गरीब आदमी है। ये देखो 14,000 रुपया मुझे बिल आया है, ये मैं कैसे पे करूं? 14,000 का बिल कोई एक पखा चल, इधर आ देखो 14,000 का बिल आ गया। रक्षा चलाते हैं, है रक्षा ड्राइवर मजदूर आदमी हूं, ठीक है सर। क्या हुआ? ऑल द सॉरी बेटे, आप इधर नहीं रहते? नहीं, दूसरे गली से आया हूं। दूसरी गली से आया हूं बेटा, आपको नहीं पता था ये गटर खुला हुआ है? नहीं, खुदा ना खासा बच्चे को कुछ हो जाता है, इसकी टांग पे कुछ ज्यादा चोट लग जाती, खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो जाती, टूट जाती, जिम्मेदार कौन? मेरी तो समझ से बात बेटा, ध्यान से अब गलियों में जाना है। रक्षा मेरा खराब है, मजदूर आदमी। ये देखो मुझे 14,000 रुपया बिल आ गया, मैं कैसे पे करूं? एक मेरा पंगा चल रहा है। 400 यूनिट आपने चलाया भाईजान, 14,000 आपका बिल है, करंट बिल जो है आपका, इसमें आपने कभी टैक्स पढ़े किसी से? बिल्कुल, ये लिखे हुए हैं टैक्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, ये सारे सर टैक्स है। ये लिखा हुआ है फूड प्राइस जी सर 296 रुपए जी जी, ठीक है। फिर आपके FPA VAR टैक्स है 247 रुपए जी, ESED है 3.71 रुपए, GST है, IT है, ATX है, ये बेशुमार टैक्स आपके। फिर इधर है E-duty टैक्स है आपका जी, TV फ्री है आपका। हाँ जी सर, देखो मैं मजदूर आदमी, आपका E-duty खराब है भाई जी, देखिए पहले E-duty है, TV टैक्स है, GST है, FCSUR है जी, ये बिल्कुल सारे टैक्स भरे हैं। वही ना कह रहा हूँ ना कि मजदूर आदमी, रक्षा ड्राइवर हूँ, रक्षा मेरा खराब है, फिर इतना बिल मैं कैसे पे करूँ? बच्चे वालों या रक्षा अपना बिल? रक्षा खराब है, कितने दिनों से खराब है? ये 15-20 दिन हो गए खराब, कर 15-20 दिन से कैसे निजाम बस गुजारा अलग। रोटी तो खानी है ना, रोटी? हाँ जी, बच्चे हैं ना जी, बिल्कुल, बच्चों की माँ भी है, हमारी भाभी भी है, हमारी बहन भी है, ऐसा ही है ना। तो कैसे सिस्टम चला रहे हैं फिर? उधार लेके दुकान से। अच्छा, ये इसका काम करवाऊंगा, सही होगा फिर मैं दे दूंगा, ले आता हूँ 10 किलो। क्या क्या चलता है घर के अंदर दिखाया मुझे, आए जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, बेटा ये पंखा चलता है, बस ये बल्ब इतना बिल आ गया सर, देखो एक बल्ब है, एक पंखा है, आए जी, ये दो बच्चे मशला आपके, तीनों बच्चे आपके मशला, आए जी बाहर आए। ये जी मेरी बेटी ठीक नहीं है, इसका मैं इलाज करवाता हूँ, इतना मेरा खर्चा आ रहा है, रक्षा ड्राइवर हूँ, क्या करूँ मैं? क्या हुआ इसको बेटी को? ये मजदूर बेचारी, अल्लाह रहम करे। ना तकलीफ दे बच्ची है यार, बच्ची है, लेटो मेरा बेटा, लेटो, बुढ़ाओ उसको, लेटाओ, लेटाए उसको यार, बच्ची ना चलती है ना बोलती है बेचारी, इतने इसके रिपोर्टें जर्नल ले गया हूँ अपना चिल्ड्रन, इतना इतना तो कहते हैं पैसे लगेंगे इसके इलाज कराने के लिए। कितने पैसे इलाज के लिए कहते हैं? वो कहते हैं 12 टेस्ट लेके देते हैं, 4-5 हज़ार के इसके टेस्ट होते हैं, वो कहाँ से करवाएं? किसी गवर्नमेंट के बंदे से आपने इमदाद के लिए कहा, किसी को बोला आपने, कभी किसी से मिले किसी से? सर मैं किसी से मिला, हॉस्पिटल लेके गया हूँ, गुलाब देवी लेके गया हूँ, चिल्ड्रन लेके गया हूँ, उन्होंने टेस्ट वगैरह दे दिए, चेक किया, इसके बाहर टेस्ट करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर जो अपना इस वक्त मौजूदा हैं पंजाब के, वज़ीर आला साहब हैं जी, बड़े सखी दिल लोग हैं, अपना पैगाम आप इसके ज़रिए उन तक पहुँचाएँ, अगर उन तक पहुँचा इंशाल्लाह तो लाजमी इसके लिए बेहतरी होगी बच्ची के लिए। मैं सर यही कहता हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज करवाया जाए, ये भी बड़ी होगी, बेचारी फॉर्म पर चल सके, हो सके बेचारी, और बच्ची है आज, तो बच्ची तो कल बड़ी भी होना है इसने, तो कैसे बेचारी चलेगी, कैसे गुजारा करेगी? गरीब आदमी रक्षा ड्राइवर मैं कितने कमा सकता हूँ? आप उनसे दरख्वास्त करें, इनका मैंने बोला आपको, ठीक है, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करके कोई इमदाद करें। मैं सर यही अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बच्ची की मदद की जाए, इसका मुकम्मल इलाज किया जाए, कि ये भी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। अल्लाह करे आपके पैगाम पहुँच सके। ये पैगाम है जी एक मजदूर का, वज़ीर आज़म साहब से, हुकूमत पंजाब से, कि मेरी बच्ची का अगर इलाज हो सकता है तो इलाज करवा दें, ये इमदाद कर दें, गरीबों की दुआ लगनी है, इस बच्ची की दुआ लगनी है, आपने उसको बिठाना नहीं है, मेरा बच्चा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। आए जी, यदि मैं हम लोग आए तो इलाके के अंदर थे, इलाके के मसाइल को देखने के लिए, इलाके के मसाइल को सुनने के लिए, वो सब आपके सामने था, एक बंदा एक पंखा चलाता है, एक लाइट चलाता है, ये पंखा बंद है, बंद ही है ना, इतना सा घर है आपका, गैस वैस भी कोई नहीं आ रही होगी आपकी? कोई गैस नहीं है। हम लोग पानी पेशाब का तो बाहर आता है। आए दिखाएं, ये हम लोग दिखाने बेसिकली आए थे कि यहाँ पर देख लें आपके लाहौर शहर के अंदर, जिसे हम डेवलप्ड सिटी कहा करते हैं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क अपने आप को कहते हैं, हम फर्ज इसलिए लेते हैं ताकि गरीबों की फलाह हो सके, लेकिन लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ मैं गया नहीं, जहाँ मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ पर गैस मौजूद हो, ये गैस है, और तुसी खुशकिस्मत हो के हाले एनर्जी आ रही है। सर ये भी चली जानी है। कितनी देर के लिए आती है? ये अभी शाम को जब खाना बनना है ना, बिल्कुल नहीं आने। ये देखो सर, ये देखो सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखो वो गैस है, इसमें गैस है, इसमें गैस है, आपको पता ये भी बम है, हाँ जी चलो, पता है आपको ये भी बम है,
ये जो सिलेंडर होते हैं ना, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहे होते हैं। अभी तो इसके पीछे भी सिविल डिफेंस है हमारी, जो ज़िलाई इंतजामिया है हमारी, जो उन्होंने इस पर भी काम करना है, इनको बंद करवाना है, ये बंद होने चाहिए। तो बम है भजन, असल मकसद ये है कि हुकूमत को आपको यहाँ गैस देनी चाहिए। हाँ जी, तो सर जब यहाँ पे आते हैं फिर बच्चे को दूध वगैरह गर्म करके देना मजबूर, बच्चे तुम्हें पता देखे आपने, तो फिर इस पर ही करते हैं।